हम सक्सेसफुल बन जाए। हमें बिलीव लोगों पर नहीं करना है, हमें उन पर बिलीव नहीं करना जो हमारे कितने ही घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, हमें बिलीव करना है अपने आप पर, इस 5% पर। आप सोचो कि आपको 95 वाले में आना है या फिर 5% वाले में आना है। ऐसा एक तरीका जो हो सकता है आपको रातों रात करोड़पति बना दे, ऐसी एक सोच जो आपकी जिंदगी बदल करके रख दे, सिर्फ एक तरीका, और वो तरीका क्या है आपको इस वाली वीडियो में पता चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो भी लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप लोग नए आ गए तो उसे सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब आपको मैं ऐसा एक रामबाण तरीका बताने वाला हूँ, आई होप कि ये तरीका आपको किसी ने भी नहीं बताया हो जो आज मैं आपको इस वाली वीडियो में बता रहा हूँ। ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, ये असर करेगा ही करेगा, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़। ये तरीका अगर आपने जान लिया तो आज के बाद आपको और तरीके ढूंढने की ज़रूरत नहीं। दुनिया में 95% लोग, हमारे शरीर का पूरा हिस्सा 100% है, जिसमें से 5% हिस्सा ये वाला होता है, 95% हिस्सा हमारा यहाँ। दुनिया में 95% लोग ऐसे होते हैं जो गर्दन के निचले हिस्से से कमाते हैं, और दुनिया में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से कमाते हैं। आज की इस वाली वीडियो में आप लोग डिसाइड करोगे कि आप कौन से हिस्से से कमाते हो और आप कौन से हिस्से से कमाना चाहते हो। जितने भी मिलियनर, बिलियनर, करोड़पति, लाखपति जो भी हैं, सारे के सारे ऊपर के 5% वाले हिस्से वाले, क्योंकि वो यहाँ से कमाते हैं, यहाँ से। हाथ पैर नहीं मारते किसी की तरह, रिक्शा नहीं चलाते, वो ऐसी मेहनत करते हैं। मेहनत दोनों तरीकों से होती है, एक वो जिसमें पसीने आ जाए और एक वो जिसमें मेहनत को पसीना आ जाए। हालांकि जो 95% हिस्सा हमारा होता है गर्दन के नीचे वाला, उससे मेहनत ही करी जा सकती है, किसी भी खेत में फावड़ा चलाया जा सकता है, किसी भी जगह पर खुदाई की जा सकती है, किसी की बिल्डिंग खड़ी करी जा सकती है। 95% वाले लोग में एक वो भी आता है जो दूसरों का घर बनाता है और उसका खुद का घर नहीं। जी हाँ, और जो 5% वाले आते हैं वो अपना घर बनवाते हैं, खुद नहीं बनाते, उनके इतने सारे बिजनेस होते हैं, इतने सारे वो धंधे फैला करके रखते हैं ताकि कुछ भी उन्हें कल को कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए शायद अमीर का बच्चा अमीर होता है। हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है कहीं ना कहीं गड़बड़ा गई। ऐसा नहीं है कि हम अमीर नहीं बन सकते, पर जो अंधविश्वास है ना, जिसको अंधविश्वास बोलते हैं, मे भी हो सकता है कि भाई हमारे अंदर भी घुसेड़ दिया। हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स हमें एक चीज सिखाते हैं, बाहर जाओ कमा के लाओ। दुनिया में कई सारे ऑप्शंस हैं कमाने, अगर हम खुद से कमाना चाहें तो हम वो बन सकते हैं जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। तो सोचना हमारे इस 5% में आता है, अगर हम सोच सकते हैं तो हम कर भी सकते हैं। मैं कहता हूं आप कामयाबी पर ध्यान ही मत दो, आप प्रोसेस पे ध्यान दो कि इसमें प्रोसेस क्या है, आपको प्रोसेस करना है और सक्सेस मिल जाएगी। आई गारंटीड यू कि अगर आप अपनी प्रोसेस पे ध्यान देते हो, काम किस तरीके से करना है, कंटिन्यूसली काम करना है, ऐसा काम करना है कि दुनिया में किसी ने किया ही ना हो, अपने आप को बदलना आज से ही शुरू कर दो, अपनी थिंकिंग को बदलना शुरू कर दो, चौराहे पर जाना छोड़ दो, अपने दोस्तों के साथ मतलब भर के लिए जाओ, जितना काम हो उतना काम करो, बाद बाकी अपना आओ, दिमाग लगाओ और कुछ करो। सक्सेस आपको एक दिन में नहीं मिलती, मुझे पता है आप एक दिन में करोड़पति नहीं बन सकते, मैं ये भी जानता हूं कि आप एक दिन में वो नहीं बन सकते जो दुनिया है। हम भले ही अगर एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बन सकते, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम सक्सेसफुल बन जाएं। हमें बिलीव लोगों पर नहीं करना है, हमें उन पर बिलीव नहीं करना जो हमारे कितने ही घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, हमें बिलीव करना है अपने आप पर, इस 5% पर। आप सोचो कि आपको 95 वाले में आना है या फिर 5% वाले में आना है। आज से ही अपनी थिंकिंग को बदलना शुरू कर दो, अपनी जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालो, कुछ पॉजिटिव चीजें अपने अंदर लाओ, अपने आप को चार्ज अप करो ताकि कल को तुमसे कोई ये सवाल ना कर पाए कि यार तूने वो नहीं किया, ताकि कल को आपके घरवाले ये सवाल ना उठा पाए कि यार तूने जिंदगी में कुछ किया ही, इतना कर जाओ कि करने के लिए कुछ बचे ही ना। बस करना क्या है, कंटिन्यूअस मेहनत।
और इसी पर बिलीव करो। अंधविश्वास क्या है कि मेरी किस्मत में वो नहीं लिखा है जो मुझे मिल जाए, मेरी किस्मत में जो लिखा है वो मैं पाके ही रहूंगा। घंटा यार कुछ मिलेगा तो हो सकता है आपकी किस्मत में मेहनत करना ही लिखा हो। मेहनत भी दो तरीके की होती है, 95% और 5%। दोनों में बहुत जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो 95% लोग कर रहे हैं, 95% हिस्से से वो सिर्फ दिन भर का 200-300 रुपए घर लाते हैं, जिसमें से उनके लिए शराब पीने के लिए भी 70 रुपए होने चाहिए। समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से एक बार बता के जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब बात आती है 5% वालों की। 5% वाले शाम को पीते हैं एकदम से एक से एक ब्रांडेड शराब जो उनके हार्ट में प्रॉब्लम्स नहीं करती हैं। 95% देसी ठेके पे ही आपको मिले। बिलीव सिस्टम बनाओ अपना, बिलीव सिस्टम, बहुत तगड़ा सा बिलीव सिस्टम बनाओ। अब मैं बिलीव सिस्टम की थोड़ी सी बात करता हूँ। किसी बारात में 10 शराबियों को भेज दो और कहीं नई जगह है वो बारात जा रही है, उनको ये भी ना पता हो कि शराब का ठेका कहाँ है। बारात पहुंचेगी, अगले 20 मिनट में बाराती 10 कम हो, फिर आप पूछना कि वो बाराती कहाँ गए। उनको फोन लगाओगे ना, वो ठेके पे भी है, उसकी आवाज में बदलाव आ जाए क्योंकि तब तक वो पी चुका। किसी शराबी को रेगिस्तान में छोड़ के आ जाओ, शाम तक वो आपको ठेके पे ही मिलेगा। ये होता है बिलीव सिस्टम। जब तक आप अपने अंदर भरोसा नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन आपके अंदर भरोसा आ गया कि यार मैं कर सकता हूं, एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर अब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव मोटिवेशनल अंडरस्टैंडिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज। कामना करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर और इसी तरीके की वीडियो चाहिए या फिर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।